मीटिंग में सभी के सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ओके वॉइस स्लो है, ठीक है। वॉइस इज क्लियर, ओके थैंक यू, शेयर कर लीजिए अपनी। मैम एक और इसमें आईडी है मेरा जूम मीटिंग में जो नीचे, वो भी के विश्वकर्मा के नाम से, उस पर भी होस्ट बनाई है। सो मैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों से जुड़ रहा हूँ, सो प्रेजेंटेशन लैपटॉप से चलता रहे। डेफिनेटली सर, गिव मी वन सेकेंड। थैंक यू। सर किस नाम से है आईडी? सेम नाम से है, के विश्वकर्मा नाम से। यस थैंक यू मैम जी, थैंक यू सो मच। तो साथियों अभी हम लोग सीधे सीधे, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है और हमको, हम सभी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको आपको बताना है। जैसा कि आप सभी जितने भी एटोमियंस हैं या जो न्यू बिगनर्स हैं जो आज पहली बार इस प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि शायद ज्यादातर लोग होंगे जो हीमोइन के बारे में कुछ ना कुछ सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे, प्रेजेंटेशन ले चुके होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन सेमिनार में कंपनी के द्वारा प्रोवाइड है। ऑलरेडी एटोमी इतनी एथिकल कंपनी है कि वो अपना सभी प्रोडक्ट का 100% डिस्क्रिप्शन जो है वहां पर जो लिटरेचर दे के रखती है शॉपिंग मॉल पर, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ आम जीवन में, मेरा बताने का तरीका कुछ ऐसा ही आसान है जिससे सब समझ चुके कि हमारे घर में यदि कोई बेटी का रिश्ता होता है ना, और वो किसी बड़े घर से आ रही हो, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे घर में एक एजुकेटेड गर्ल आए, बिटिया आए, लक्ष्मी के रूप में आए और वो हमारे घर को, पूरे घर को संभाले, है ना। क्योंकि लेडीज जो होती है होम मेकर्स होती है, हम लोग गलती से उसको बहुत सालों से, कई डिकेड से हाउस वाइफ बोलते आ रहे हैं, होम मेकर्स होती है। तो लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। तो बड़ी घर की बेटी जब हमारे घर में आती है तो उसकी मर्यादा के अनुसार हमें भी अपने घर को कुछ संभालना पड़ता है, साफ सुथरा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हिमोहिम एक बड़े घर की बेटी है जो हम सबके पास आई है लक्ष्मी के रूप। आप पूरी मर्यादा के साथ में एज एन एटोमियन डिस्ट्रीब्यूटर आपको किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को शेयर करना है और कैसे खुद से इस्तेमाल करना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। तो सभी जितने भी महानुभाव हैं सभी लोगों को नमस्कार मेरा दोबारा से। मेरा नाम कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, जैसे मैम ने बताया है ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में 29 ईयर्स में जॉब कर चुका हूँ और वहाँ मेरा जॉब टेक्निकल सुपरिटेंडेंट था, सोल्जर्स को क्लाइमेटाइजेशन वगैरह कराना, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे वातावरण में जहाँ सेनाएं जाती हैं, जहाँ आम व्यक्ति जो है काम नहीं कर सकता, तो उनको क्लाइमेटाइजेशन कराना होता है, उनको वातावरण के अनुकूल बनाना होता है फिजिकली मेंटली और डाइट, एज एन डाइट उनको डाइट प्रिस्क्राइब करके कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं हीमोहिम पर। हीमोहिम जाना जाता है जैसा कि उसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हिम मीन्स चाइनीज और कोरियंस में ये एक पावरफुल वर्ड होता है, ऊर्जा का वर्ड होता है हीमोहिम, और इसे हीमो इम्यून मॉड्यूलेशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो हीमोहिम के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ BDNF पर। मैं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के शब्द इस्तेमाल करूंगा लेकिन ये हिंदी रूपांतरण में आपको पूरा, यदि आप सभी को चाहिए तो मैम के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। BDNF आप नोट भी कर सकते हैं, पेंडारी लेके बाद में पूछ भी सकते हैं। BDNF हमारे बॉडी में हर चीज के लिए कारक होता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्राइड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ठीक है, तो ये बीडीएनएफ काम कैसे करता है, ये दो वस्तुओं पर काम करता है हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं पे। एक होता है ट्रांसफर फैक्टर ऑफ सेल्स, ट्रांसफर फैक्टर ऑफ सेल्स या ट्रांसफर फैक्टर एजुकेशन ऑफ सेल्स, ये इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोटीन्स। हमारे शरीर में पूरा जो खेल है ना वो माइक्रो प्रोटीन्स का है। तो कुछ माइक्रो प्रोटीन्स का काम होता है कि वो हमारे सेल्स को एजुकेट होने के लिए मैच्योर करें, उनको पढ़ने में सहायक हों, कोशिकाएं हमारी उतनी एकेडमिक हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, है ना। और ये है दूसरा पार्ट होता है न्यूरोसेंसेस का, जहां पर हमारी संवेदनाएं एक अंग से दूसरे अंग में जाती हैं नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जब दोनों काम सही होते हैं तो भगवान के द्वारा, अलमाइटी के द्वारा हमारे शरीर में उतना सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों कि हम बीमार पड़ते, ऐसा इसलिए होता है कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर एक लंबे अंतराल में जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो 4-5 साल हम लोग हेल्दी होते हैं, क्योंकि एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू और संवेदनाओं के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू और जीन्स के थ्रू हमको इतनी एजुकेशन मिली होती है, और माँ के जो पेट से हमको इतना न्यूट्रिशन मिलता है, इतना नर्चर होके हम बाहर निकलते हैं कि हमें, हमारी इम्यूनिटी एकदम हार्ड इम्यूनिटी होती है और हम हर चीज आसानी से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारा शरीर भी सीखते हुए आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि हम लोग दो तरीके से खाना खाते हैं, हमारा भोजन हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी, शरीर को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो इसमें जितने माइक्रो प्रोटीन्स या माइक्रो न्यूट्रिशन, MND कह सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, तो ये अचानक से कमी कैसे होती है, वो इस तरह से होती है कि जब हम माँ के गोद में होते हैं, पल रहे होते हैं, तो हमारी एक गाइडलाइन होती है, माँ हमको केयर करती है, कैटरिंग करती है, तो हर चीज बड़े समझदारी के साथ दी जाती है। इस वजह से हमारा जो है BDNF एकदम करेक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही हम आंखों से खाना शुरू करते हैं, है ना, मुंह से खाना तो सुना होगा, आंखों से खाना सुनने का आप इस तरह से देख सकते हैं, जब किसी घर में इनविटेशन होता है, हम ऑलरेडी खाना खा के आए और उन्हें समोसे चाय रख दिए, तो नाना करते हुए भी हम खा लेते हैं, यानी कि हमारी जरूरत नहीं है बट हम खा लेते हैं, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं, सुंदर लग रहा है, खुशबू आ रही है, सेंसेस यूज हो रहे हैं, तो हम लालचवश उसको खा लेते हैं। और इसी बैड हैबिट या अनबैलेंस डाइटिंग सिस्टम की वजह से हमारे शरीर में बेसिक से स्टार्ट होते हैं इम्प्योरिटीज के, टॉक्सिन्स के, फ्री रेडिकल्स के, इन सारी चीजों के, और हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती चली जाती है। फिर अदर फैक्टर जो हैं काम करते हैं इम्प्योरिटीज के रूप में, जैसे कि पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, और साथ के साथ बढ़ते हुए क्रम में एंटीबायोटिक्स, जो एक सुपर बग, सुपर मॉन्स्टर बग के रूप में हमारे बॉडी में हमें डैमेज करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इम्कम्प्रोमाइज होती है, और उसके धीरे 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 वो किसी ना किसी डिफॉर्मिटीज के रूप में हमारे शरीर में पनपती है, ऑर्गन्स के अंदर, और एक डिसऑर्डर के रूप में होती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो उसी को हम आम भाषा में डिजीज, बीमारी के। ठीक है, तो VDNF को सही करने के लिए हीमोहिम कैसे काम करता है, हीमोहिम किन तत्वों से बना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है मिल चुकी है, इसको आपने देखा होगा, जब आप हीमोहिम, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, हीमोहिम का जब आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, एटॉमिक के किसी हेल्थ फूड प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मिलता है या कॉस्मेटिक का, तो वहां पर लिखा रहता है कॉलमर BNH SBT। ये SBT क्या है, सन बायोटेक, कॉलमर BNH का एक अलग प्लेटफॉर्म है सेपरेटली, जो कि एटॉमिक के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और फूडी फार्मा अदर जो
फूड सप्लीमेंट को भी प्रोड्यूस करता है। तो दो डिपार्टमेंट है, फूडी फार्मा एंड सनबायो, राइट। तो इसको जो इन प्रोडक्ट्स पे जो काम करता है कैरी, जो आपने सुना है कैरी के साथ साथ कुछ जीडीए आरडीएस भी है, क्रिब है, कोरियन रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कोइम है, कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन, और कैफरी है, कोरियन एडवांस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, 8 से 10 इनोप्लस क्लस्टर्स हैं जो कि साइंस क्लस्टर्स हमारे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक बहुत बेमिसाल प्रोडक्ट है, बहुत सारे रिसर्च के बाद आप तक पहुंचा है। तो ये इसमें जो इंग्रेडिएंट हर्ब्स यूज होते हैं, अल्दो आपने अगर इंग्रेडिएंट्स को ठीक से पढ़ा होगा तो बहुत सारे आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जिनमें एंजिल का गिकास और प्यान का जापानिया ये सब चीजें इस्तेमाल होती है, लेकिन उनके लीव्स और अदर पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर इनका उसके साथ में रूट्स, ये तीनों हर्ब्स की जो रूट्स जो बार बार बताई जाती है, जो मैम ने अभी आपको बताया था, इनकी रूट्स इस्तेमाल होती है। ये काम कैसे करती है बेसिकली आपके शरीर में, इसको काम करने के लिए ये क्या करते हैं, आपके शरीर में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी का काम होता है आपका रेड ब्लड सेल्स का लंग्स से ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना पूरे ब्लड में और दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए। डब्ल्यूबीसी का काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यून सेल्स होते हैं और वो लड़ने का काम करते हैं, सैनिक का काम करते हैं, और उसी में होता है एनके सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स या वो कोशिकाएं जो बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडी को डिटेक्ट करती हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है इम्यून का जिसको रिकॉग्नाइज रिएक्ट एंड रिमेम्बर, RRR, अभी एक मूवी आई है ना बहुत अच्छी साउथ इंडिया की, RRR ट्रिपल आर। तो ये इम्यून थेरेपी का एक फॉर्मूला होता है, आपका रिकॉग्नाइज करना, रिएक्ट करना एंड रिमेम्बर। तो एनके सेल्स क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते, ये बोन मैरो के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं बीएम आपका डीसी, बीएमडीसी मींस बोन मैरो डेंड्रिक सेल्स, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं इनको आम भाषा में, जो अभी तक आपने सुना होगा। तो नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है हीमोहिम का ये कंपोजिशन, और वो नेचुरल किलर सेल्स जैसे एक्टिव और नॉन एक्टिव का क्या अर्थ है कि आपकी अगर लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपके रूटीन्स ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन, ऑक्सीडेटिव इकट्ठे होते चले जाएंगे और वो अपना जो काम है उनका है ना डिस्टर्ब करने का पूरा इम्यून को वो शुरू कर देंगे। तो एनके सेल्स क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हैप्टिक लाइफ स्टाइल की वजह से थोड़े से नम हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये आपके दूसरे सेल जो टी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, अदर सेल्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसी सेल है ना, जिनको इनर ल्यूकिन बोलते हैं, इनर ल्यूकिन मींस इनर ल्यूकिन और टोल ल्यूकिन, इनका नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसे होता है। तो टोल ल्यूकिन मतलब टोल, जैसे टोल प्लाजा होता है ना, आप टोल प्लाजा से ऐसे ही नहीं निकल सकते, आपको अपनी कार का किराया देना पड़ेगा या अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, राइट। उसी तरीके से अगर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी या कोई भी चीज आती है, वायरस, बैक्टीरिया, इवन दो आप वैक्सीन लेते हो, दवाई लेते हो, उनको ये IL-6 वगैरह ये इनसे इनर ल्यूकिन से होके गुजरना पड़ता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन देके, अपनी एजुकेशन देके, अगर वो सही है तो वो जाने देंगे, नहीं तो गेट से बाहर। तो इस तरह से ये एनके सेल्स काम करते हैं, और फिर जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट का यानी कि वो डब्ल्यूबीसी को वो एजुकेशन भेजते हैं, आपके जो अदर इम्यून सेल्स हैं, साइटो सेल्स हैं, उनको ये एजुकेशन भेजते हैं कि भाई ऐसा ऐसा चीज एंटर हो रही है, ठीक है, इससे इसका ये नेचर है, इसका ये डेफिनेशन है, आपको इससे ऐसे लड़ना है, पूरा एजुकेशन देते हैं और वो जाके उनसे लड़ते हैं। और रिमेम्बर,
रिमेंबर मींस मेम्ब्रेन, आपकी ब्रेन में ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो बोलते हैं ना, न्यूरॉन्स के अंदर उसकी एजुकेशन डेवलप होती है पूरी हमेशा के लिए, ठीक है। तो वो एक हार्ड डिस्क के रूप में उसमें एजुकेशन रह जाती है, जिससे फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत हो तो वो अटैक करते हैं, जिसको हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से ये हीमोहीम काम करते हैं। तो ये डेंड्रिक सेल थेरेपी क्या है, इसको डेनवेक्स थेरेपी बोलते हैं, और इसके लिए आपके इंडिया में बहुत अच्छे जानकार हैं, डॉक्टर जमाल ए खान साहब सुपर ह्यूमन थेरेपिस्ट हैं, फाउंडर हैं इस थ्योरी के। तो उसमें शर्मिन यकीन मैम हैं, वो भी इस पर काम कर रहे हैं, जयपुर से स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पर एक मेडिसिनल इंजेक्शन के थ्रू आपको सेल्स को डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट किया जाता है इन केस ऑफ कैंसर, कैंसर से आसानी से लड़ने के लिए, और या ऐसी कुछ सेलाइटिस टाइप की, इस तरह की जो बूंस होती है, ओपन बूंस जो भरती नहीं है, जैसे डायबिटिक पेशेंट को गैंग्रीन हो जाता है, तो उनको नॉर्मल बूंस में कन्वर्ट करना, जिससे वो जल्दी से हील हो सके, जल्दी से भर सके। तो इम्यूनिटी के बारे में हीमोहीम कैसे काम करता है, इसके लिए आपके मन में कोई शंका समाधान नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, जहां से आप देख सकते हैं कि ये जो हीमोहीम के बारे में बातचीत की जाती है, ये हवा में नहीं की जाती है ना। देखिए, ये जो साइट है आपके सामने, इसको बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, राइट, pubmed.गवर्नमेंट, इसका जो आप पीएमसी के नाम से या पबमेड के नाम से या एनसीबीआई के नाम से या एनआईएच के नाम से इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जिसको इंटेलेक्चुअल बंदा है, कोई पढ़ा लिखा है, साइंस साइट से है, या इंटरेस्ट रखता है अपनी जानकारी इकट्ठी करने के लिए, कि वो सर्टिफिकेशन, वो एथिकेसी, वो जानकारी जिससे हम प्रमाणिकता के साथ बोल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला फूड सप्लीमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये पहला फूड सप्लीमेंट है जो कि इस जगह रजिस्टर्ड है रिसर्च के रूप में। इसकी वजह क्या है, आपका जब शॉपिंग मॉल पर आप एंट्री करते हो एटोमी में, तो आपके सब अदर प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज अलग अलग मिलते हैं, जैसे ब्यूटी का, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट। क्या वजह है कि हीमोहीम को अलग से लिखा गया, उसकी वजह यह है आपके अदर न्यूट्रिशन भी आपको आने वाले हैं, वो उनसे भी आप अवगत हो जाएंगे, लेकिन हीमोहीम हमेशा हर साइट पे जहां जहां एटोमी काम करती है, जिस जिस कंट्री में, अलग रहता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सप्लीमेंट्री थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन मतलब एक थेरेपी के रूप में इसको दे सकते हैं। इसलिए आप जब सर्टिफिकेशन में जाएंगे एटोमी के, वहां पर एक सर्टिफिकेट होता है इसका, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट DCSCO का, ठीक है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि इसकी थेरेप्यूटिक जो एजुकेशन है उसकी वजह से। तो यहाँ पर वो सारे रजिस्ट्रेशन के साथ में, पायलट रिसर्च के साथ में, जिस साइंटिस्ट ने इनको बनाया, जिस जिसमें रिसर्च किया, वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। डायबिटीज पर कैसे काम करता है ना, अदर डिफॉर्मिटीज या डिसऑर्डर पर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपके लिए प्रेजेंटेशन के लिए निकाला है हर्बल प्रिपरेशन हीमोहीम एनहांस फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ बोन मैरो डेराइव्ड डेंड्रिक सेल मेडिएटेड टोल लाइक रिसेप्टर इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के रूप में, ठीक है। तो इसके पूरा हिंदी में भी मैंने और इंग्लिश में भी इसका अलग से आर्टिकल निकाल के रखा है, आपको मिल जाएगा। तो ये क्या काम करता है, जब कैंसर सेल्स, क्या खास बात है, ये कैसे काम करता है, जैसे कि मैम ने उसमें सुझाया है आपको कि क्या कहना है, तो ये क्योर नहीं करता, ये उस बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन ठीक करने में 100% मददगार होता है ना। जैसे आपने साइंस में सुना होगा ऑक्सीजन,
एक ज्वलनशील पदार्थ, जलने में सहायक है, ठीक है। तो ये जो क्या करता है कि जब कीमोथेरेपी, आप एक क्लिनिकल मैनेजमेंट से जब गुजरते हैं, ना सिर्फ कैंसर के लिए, अदर लाइफ स्टाइल क्रिटिकल जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए भी जब आप एक प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट यानी प्रॉपर एक फिजिशियन कंसल्टेंट के साथ में आप दवाई ले रहे हैं अपना और इलाज करा रहे हैं, उस समय जैसे कैंसर में क्या होता है कि कीमोथेरेपी एक तरह से डेथ वारंट होता है, वो सेल्स को बर्न करता है ना। तो जब वो खराब कोशिकाओं को बर्न करता है तो उसके साथ साथ अच्छी कोशिकाएं भी डैमेज होती, इसी वजह से हमारा बॉडी का जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो वीक हो जाता है। हमारा जो अंदर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो या अदर ऑर्गन हो, डैमेज हो जाता है। तो कीमो के बाद रिकवरी की जरूरत होती है, जिसमें आपको एक अच्छा थेरेपिक न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो आपके शरीर को दोबारा से जनरेट करे सेल्स को, जिसको बोलते हैं साइटोकिन सिस्टम, है ना। हीमो ही भी तो ऐसे ही काम करता है, जैसे कि आपने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा होगा, एनके सेल्स, टी सेल्स और डब्ल्यूबीसी अदर इम्यून सेल्स को एजुकेट करते हैं और उसके बाद वो हमारी साइटोकिन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो साइटोकिन सिस्टम इम्प्रूव कैसे होता है कि आपने सुना होगा कि साइटोकिन स्ट्रॉन्ग करके कभी कोविड टाइम में, लॉकडाउन में न्यूज पे भी डॉक्टर्स लोग जब आपस में बात करते थे। इस साइटोकिन स्ट्रॉन्ग क्या होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जब आपकी कोशिकाओं का बनने का और मरने का है ना जो प्रोसेस है, डिसबैलेंस हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो एक वो तूफान सा आता है कोशिकाओं के बनने का अनियंत्रित तरीके से, ठीक है। जब आपके खून के थक्के बनने लगते हैं, मसल्स फटने लगती हैं, इस तरह का, तो साइटोकिन सिस्टम अगर इंप्रूव हो गया आपका, कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिकाएं, कौन कौन से साइटोसेल्स कितनी मात्रा में बनने चाहिए, उनका क्या रेशियो होना चाहिए, जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह सीबीसी वगैरह कराते तो देखते हैं ना स्नोफिल कितना है, डब्ल्यूबीसी टीएलसी डीएलसी कितना है, इसी तरीके से। तो हर एक चीज का एक पैरामीटर हो, तो पर्टिकुलर एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए, यदि उसका साइटोकिन सिस्टम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली हो रहता है, अगर वो डिस्टर्ब है तो इसका मतलब उसके डिस्टर्ब होने के बाद ही आपको इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो कैंसर सेल्स में कैंसर का या अदर लाइफस्टाइल जो क्रिटिकल डिजीज में ये क्या करता है कि साथ के साथ आपके इलाज के साथ साथ आपको इस तरह से इतने न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, जो भी आपको माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है इलाज के दौरान या पहले से बीमारी के कारण, उसको दोबारा से रिकवरी कर देना। और जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया आपका, रिकॉग्नाइज रिएक्ट एंड रिमेम्बर, वो उनका मेम्ब्रेन में भर जाता है सेल्स, है ना। तो सेल्स अच्छी तरह से एजुकेट हो जाते हैं आने वाले खतरों से लड़ने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए, तो इसको बोलते हैं डेंड्रिक सेल थेरेपी। तो ये जो इसके ऊपर पहले से बहुत सारा काम चल रहा है मेडिकल साइंस में, लेकिन हीमोहीम इसको नेचुरल वे में करता है और ये यहाँ पर सर्टिफाई किया गया। तो ये इस पूरी रिसर्च का ब्योरा है जो यहाँ पर आपको हिंदी में रूपांतरण और आसान भाषा में रूपांतरण करके आपको इंग्लिश में भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का पढ़ने की जगह है, मेरा इसको दिखाने का मतलब यही था कि ये पहला फूड सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप यहाँ पर किसी भी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का नाम डालोगे, नो रिजल्ट आएगा, सिर्फ हीमोहीम डालोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। हीमोहीम बेनिफिट्स इन डायबिटीज, हीमोहीम बेनिफिट्स इन कैंसर, हीमोहीम बेनिफिट्स इन अदर डिफॉर्मिटीज, तो यहाँ पर आपको सारी रिसर्च यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, क्योंकि मेरा 20 से 30 मिनट का प्रेजेंटेशन था और क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि हीमोहीम एक ऐसा बेमिसाल प्रोडक्ट है, इतना शानदार प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है।
अब इसके साथ साथ अंत में मैं सिर्फ इतना बता के अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। आप हमेशा ध्यान रखें, इसको नोट कर लीजिए, जब एज एन वेलनेस कोच, एज एन एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर और एज एन वेलनेस कोच आप किसी को न्यूट्रिशन या फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले बात ये, सबसे पहली बात कि उसका प्रोडक्ट का डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का जो टेक्निकल डिटेल आपको अगर ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन यदि आपको बेनिफिट्स मालूम है, तो बेनिफिट्स मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है वाइस कंज्यूमर बनिए, आप पहले से यूज करिए उस प्रोडक्ट को, उसके फायदे जो मिले उसे आसान भाषा में, एक आसान लैंग्वेज में, कंटेंट में आप सोशल मीडिया ऑफलाइन या वन टू वन में आप उसको शेयर करें। ये तो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा, फूड सप्लीमेंट, चाहे वो हीमो, चाहे न्यूट्रासिटिकल मिक्स, ओमेगा, वो किसी भी तरह का फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन जब आप खुद से ले रहे हैं या किसी को सजेस्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ाने का जरूर बोलिए, क्योंकि शरीर में जब मेटाबॉलिज्म काम करता है और आप एक अच्छी खुराक ले रहे होते हैं, एक अच्छे माइक्रो न्यूट्रिशन आप ले रहे होते हैं, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन आपको प्रदान होते हैं, तो उनको पचाने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यदि आप कितना अच्छा भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं और पानी सही से इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन, कंस्टिपेशन और अदर आईबीएस टाइप का कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। सो पानी की मात्रा, जब कोई भी फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन लें तो वाटर इंटेक अच्छा करें, भोजन के साथ या दिन भर में एक अच्छी मात्रा में पानी पीने का मतलब ये नहीं होता कि एक जग लेके गटगट करके पी लिया। आप छोटे छोटे सिप में, आपको प्यास लगे ना लगे, पानी लेते रहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी ओवर ब्लोटिंग ना हो, आपके किडनी ओवर ब्लोटिंग ना हो, पता चला आपको वाटरी सिस्ट होने शुरू हो जाए या पथरी होनी शुरू हो जाए या नेफ्रोसिस डायलेशन शुरू हो जाए या रिटेंशन शुरू हो जाए, ऐसे नहीं। सिप करके पानी पीजिए, ऑटो से लगाकर बार बार पानी पीजिए, जब तक भी आपको प्यास लगे या ना लगे। तो ये दिन भर में आपका तीन लीटर पानी आपको मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि एक लीटर एक बार में पीना, आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। तो वाटर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए जब आप फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ठीक है, ये एक जानकारी है। दूसरा, जब आप फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तब आपको क्या होते हैं, दो सिस्टम होता है बॉडी में, क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिटॉक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा हीमोहीम के साथ भी होता और अदर प्रोडक्ट के साथ भी होता। उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसमें माइक्रो प्रोटीन जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, तो पॉलीफिनॉल्स क्या, डिटॉक्स स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो भी डिटॉक्स स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जब डिटॉक्स मतलब आपके अंगों की साफ सफाई है ना, दिवाली पे घर में लक्ष्मी जी आएंगी और आप लिपाई पुताई नहीं करोगे, व्हाइट वॉश नहीं करोगे, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। तो इतना बेमिसाल न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उससे पहले आपको डिटॉक्स जरूरी चाहिए, यानी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जरूर करें। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, ये गुड माइक्रोबायोटा का समूह होता है, ऐसे जीवाणु जो हमारे शरीर के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे गट के एसिडिक एनवायरमेंट को बैलेंस करते हैं। और प्रीबायोटिक क्या होते हैं, उन माइक्रोबायोटास को उत्पन्न करने के लिए उत्तेजक के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो सपोर्ट करते हैं उनको पनपने के लिए। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स के रूप में आपको न्यूट्रोसिटिकल मिक्स है, तो आप जब भी कोई भी एंटायर फूड सप्लीमेंट लें, न्यूट्रोसिटिकल मिक्स का इस्तेमाल जरूर करें। यदि कोई ज्यादा वीक है, वेरिकोस प्रॉब्लम है, मसल्स का प्रॉब्लम है या आईबीएस का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के अदर मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ भी है,
या बोन डिफॉर्मिटी है किसी भी तरह का, है ना, रेमेटोलॉजी से संबंधित कोई भी डिजीज है, जैसे कि अर्थराइस रेमनॉइड अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोफोरेसिस किसी भी तरह का, तो आप साथ में ओमेगा जरूर लें। दोनों का काम अलग अलग है। हीमोहीम क्या करता है, आपके सेल्स को एजुकेट करता है, और ओमेगा आपके सेल्स के वाल का कंस्ट्रक्शन करता है, जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, प्रोटीन प्रोफाइल, दीवाल बनाता है सेल्स के चारों तरफ। कोविड में सुना होगा वायरस अटैक करता है कोशिकाओं के ऊपर और उसके ऊपर की प्रोटीन की परत खा जाता है। फ्री रेडिकल्स भी ऐसा करते हैं, फ्री रेडिकल्स को जिंदा रहना है तो हमारे सेल्स को तोड़ते रहेंगे, और वो सेल्स को तोड़ने का उनका कोई कारण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाने के लिए वो सेल्स को तोड़ते। तो कॉम्बिनेशन क्या प्रोडक्ट कैसे लेना है, हीमोहीम कैसे लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, आपका हीमोहीम फूड सप्लीमेंट में रजिस्टर्ड, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर और यूजर के तौर पे उसके बेनिफिट को शेयर कर रहे, तो कभी भी उसको डिजीज से रिलेट ना कर, इस तरह से ना बताएं कि जैसे कि एक डॉक्टर उसको बताता है। आपकी जानकारी के लिए ये जानकारियां दी जाती हैं, आप सिर्फ उनके बेनिफिट्स बताइए, ठीक है, जिससे आपको शेयर करने में आसान होगा। क्योंकि दो तरह के लोग आपको मिलेंगे हीमोहीम, पहला तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में जब प्रोडक्ट पेश में काम करते हैं तो वहां पर गलत एजुकेशन के कारण लोग डरे हुए हैं कि कोई फेक या ब्लेंडर तो एडवोकेट नहीं कर रहा है मुझे, कोई ऐसी चीज तो प्रमोशन नहीं कर रहा है। और यदि आपने हीमोहीम को ठीक से प्रेजेंट किया, एटोमी प्रोडक्ट को ठीक से प्रेजेंट किया, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हम इंसानों को जब भी कुछ अचानक से अच्छा मिलता है तो हमारी अपेक्षाएं उसके प्रति बढ़ जाती, तो उन एक्सपेक्टेशन को वहीं पर स्टॉप लगा के उसको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए। और वो सरल तरीका है, एटोमी में बताया जाता है, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब बताते हैं, एटोमी का पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर बताते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम बताते हैं। यूज एंड शेयर, यूज मतलब पहले वाइज कंज्यूमर बनिए और वो प्रोडक्ट आपको चुप रहने नहीं देगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप सभी लोगों का, जो आपने मुझे अवसर दिया हीमोहीम के बारे में बोलने के लिए। और ज्यादा डिटेल में जब भी सेशंस चलेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर्स है, हम मैम उसको कंडक्ट करेंगे, तो आपका जो भी आदेश होगा हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का ध्यान से सुनने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। मैं 100% से भी ऊपर होता है तो उसके से निश्चिंत हूँ कि इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हीमोहीम के कुछ ऐसे ज्ञान को अर्जित किया है आज जो उन्हें पहले नहीं पता। आई एम 100% श्योर अबाउट इट एंड आई एम थैंकफुल टू जेके शर्मा सर जिन्होंने आपसे हमें मुखातिब कराया, इंट्रोड्यूस कराया कि आपका सेशन हम जरूर कंडक्ट करें। और इट इज अ लाइक ब्लेसिंग फॉर अस दैट आप आज यहाँ आए हैं। और लीडर्स, आज हम इंटरेक्टिव सेशन नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल है चैट मोड में डाल दीजिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने का हमारा पूरा पूरा कोशिश रहेगा। और इसके साथ अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। जैसा कि मैंने आज गुजारिश की थी कि संडे का सेशन जनरली हमारा 30 मिनट्स का होता है, लेकिन आज का ये सुपर संडे है। जैसा कि सर ने बताया, हीमोहीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में जितनी जानकारी ली जाए कम है, और बेस्ट तरीका है कंज्यूम एंड शेयर। कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड शेयर द बेनिफिट, चाहे अपनी भाषा में शेयर कीजिए, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को जब आप शेयर करेंगे इस भाषा को, चाहे वो आपकी अपनी लैंग्वेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके की लैंग्वेज को बता रहे हैं, चाहे आपको टेक्निकल वर्ड्स बोलने नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप ट्रू टू हार्ट हैं, अगर आप बिल्कुल राइट बात बता रहे हैं, तो मान के चलिए सामने वाला आपकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर। तो फ्रेंड्स,
वंस अगेन आप सभी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर विश्वकर्मा जी का, बहुत बहुत थैंक यू सर। वर्ड्स शायद कम पड़ेंगे लेकिन आपने बहुत अच्छा हमें वैल्यू एडिशन किया है। और दूसरी चीज, ये एक रिकॉर्डिंग हुई है, इस रिकॉर्डिंग को हम YouTube चैनल पर आपके साथ शेयर जरूर करेंगे।